व्हील इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बढ़िया इन्वेंशन, जिसका इस्तेमाल इंसानों द्वारा प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है और आज भी बिना व्हील के हमारी मॉडर्न मशीनरी वर्क नहीं कर पाएंगी। हमारे सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद हो जाएंगे और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इंसानों की सबसे बेसिक जरूरत है, व्हील यानी कि पहियों के बिना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो आइए आज हम इंसानों द्वारा बनाए गए इस बेसिक लेकिन काफी जरूरी इन्वेंशन के बारे में जानेंगे। आज हम व्हील के बारे में जानेंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ आज से 5,500 साल पहले मेसोपोटामिया में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराने व्हील होने का एविडेंस मिला है। हालांकि मेसोपोटामिया के लोग व्हील्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं करते थे, बल्कि वह उनको पॉटरी की तरह इस्तेमाल करते थे, यानी कि बर्तन और आर्ट और क्राफ्ट बनाने के लिए, एविडेंसेस से हमको पता चला है। हालांकि व्हील इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे पुराने इन्वेंशन में से एक है, लेकिन इसका इन्वेंशन एग्रीकल्चर, पॉटरी, क्लॉथ इन सब के बाद में हुआ था, लगभग 3500 BC के अराउंड, यानी कि न्यूलिथिक और ब्रॉन्ज एज के बीच में। सबसे पहले व्हील लकड़ी की मदद से बनाए जाते थे, जिनके कोर के सेंटर में एक होल हुआ करता था। व्हील का इन्वेंशन इसलिए भी यूनिक माना जाता है क्योंकि पहले के समय इंसानों के इन्वेंशन ज़्यादातर नेचर से इंस्पायर होते थे, लेकिन व्हील का इन्वेंशन एक ऐसा इन्वेंशन था जिसको नेचर के बेसिस पर नहीं किया गया था। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि व्हील का आइडिया नेचर से इन्फ्लुएंस होता है। इसका सबसे क्लोजेस्ट एविडेंस नेचर में पाए जाने वाले डंग बीटल हैं। डंग बीटल ऐसे बीटल्स जिनका घर जानवरों का वेस्ट होता है, यानी कि वह डंग में रहते हैं और यहीं पर रहकर वह अंडे देते हैं। और यहाँ पर खास बात यह है कि वह अपने अंडों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डंग की छोटी बॉल बनाते हैं, और जब वो एक सर्कुलर शेप में आ जाती है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन में आसानी मिलती है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि व्हील का इन्वेंशन इन्हीं डंग बीटल से लिया गया है। व्हील का इन्वेंशन फोन, लाइट बल्ब के इन्वेंशन जैसा नहीं है जिसका क्रेडिट एक सिंगल इन्वेंटर को दिया जाए। हालांकि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि व्हील को लगभग 5,500 साल पहले बनाया गया होगा, लेकिन हमको अभी तक यह नहीं पता कि किसने इसको बनाया। बाद में व्हील मिडिल ईस्ट यूरोप में भी नजर आने लगे। इसके बाद एंशियंट ग्रीक्स ने व्हील बैरो का इन्वेंशन किया। व्हील बैरो एक पहिए का कार्ट होता है जिसका इस्तेमाल सामान और रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था, और ऐसे ही कार्ट के कुछ एविडेंस यूरोप और चाइना में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन केवल अकेले व्हील का इन्वेंशन इंसानों के लिए इनोवेशन नहीं लाने वाला था, लेकिन फिर बाद में जब व्हील और एक्सल का कॉम्बिनेशन हुआ तो उसने ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी मदद की। लेकिन व्हील में एक्सल को जोड़ने का आइडिया इतना भी आसान नहीं था। दरअसल इस सिस्टम को वर्क करने के लिए कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले जो व्हील है उसको एक्सल के अराउंड फ्रीली रोटेट होना चाहिए। इसके लिए एक्सल को बिल्कुल व्हील के सेंटर में अलाइन किया जाता था। इसके कारण जब पहिया चलता था तो उनके मोशन में एक कंटिन्यूटी होती थी, जिसकी वजह से वह लगातार चलता रहता था। अब दूसरा, जो एक्सल है और जो व्हील की अलाइनमेंट है वह बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इससे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। और इसके बाद भी एक फ्रिक्शनल फोर्स को भी कम करना पड़ता था, वह है इंटरनल व्हील और एक्सल के बीच में। तो इंटरनल व्हील की इनर सरफेस और एक्सल की आउटर सरफेस जितनी स्मूथ रहेगी उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन एक परफेक्ट व्हील और एक्सल सिस्टम को बनाने के लिए इन सब पैरामीटर्स को होना चाहिए, और इन सब पैरामीटर्स को एक संग वर्क करना चाहिए। तो देखिए, व्हील और एक्सल सिस्टम जितना आसान दिखता है उतना वो है नहीं, इसलिए इसके परफेक्ट इन्वेंशन में इतना टाइम लगा। पहली कार्ट जिसमें व्हील और एक्सल को इस्तेमाल किया गया था, तो उसमें कार्ट में जो स्लेज था उसको रोलर पर रखकर लकड़ी के पैग से जोड़ा गया था। दरअसल वुडन पैग एक टाइप की लकड़ी के स्मॉल पीसेस होते हैं, जैसा कि आपने हथौड़े में देखा होगा कि लकड़ी को आयरन के हैमर में कैसे जोड़ा जाता है, वह कैसे फंसी होती है, वैसे ही उस समय जोड़ने के लिए वुडन पैग का इस्तेमाल हुआ था। इससे स्लेज चलते समय ज्यादा हिलता नहीं था, और फिर एक्सल और व्हील को भी जोड़ा जाता था, लेकिन इसके कुछ समय के बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया। कार्ट की फ्रेम में होल किए जाने लगे और फाइनल में एक्सल को प्लेस किया जाता था और व्हील को ऐसे फिट किया जाता था कि एक्सल के अराउंड वो फ्रीली रोटेट हो। इसके बाद सुमेरियंस ने स्लेज का इन्वेंशन किया। स्लेज एक ऐसी डिवाइस जो कि किसी ऊंचाई वाले सरफेस में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी, लेकिन फिर बाद में सुमेरियंस को एहसास हुआ कि अगर हम इस स्लेज में पहिए लगा दें तो इसका वर्क मोर एफिशिएंट हो जाएगा और यह और अच्छे से काम करेगा। हालांकि मेडिवल टाइम में व्हील को पनिशमेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था,
लोगों को टॉर्चर देने के लिए भी व्हील का यूज किया जाता था। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस पर्सन को व्हील पर बांधकर टॉर्चर किया जा रहा है। और ऐसे ही आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का नाम सुना होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून खाली अमेरिकन टेलीविजन गेम शो नहीं है, बल्कि यह मेडिवल फिलोसफी कंसेप्ट है जो कि लोगों के फेथ को दर्शाता है। दरअसल व्हील गॉडेस फॉर्चुना को दर्शाता है। व्हील को घुमाने से लोगों को अपना गुड लक और बैड लक का पता चलता था, क्योंकि मेडिवल के लोग ऐसी प्रैक्टिसेस पर ज़्यादा बिलीव करते थे। परपेचुअल व्हील, जिसका इन्वेंशन इंडिया के मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर भास्कर सेकंड ने किया था, उन्होंने इस व्हील के बारे में यह बताया कि यह व्हील कभी नहीं रुकेगा। जस्ट एक बार उसको घुमाने से वह कभी भी नहीं रुकेगा, और इसका यूज एनर्जी सोर्स की तरह हो सकता है। हालांकि यह व्हील थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के खिलाफ था। इतने साल बाद भी व्हील का बेसिक फंक्शन अभी तक चेंज नहीं हुआ। भले ही आज के मॉडर्न व्हील्स पुराने वुडन व्हील से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन इनका बेसिक यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही किया जाता है। आपकी बाइसाइकिल, कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन्स, यह सब व्हील्स की मदद से चल पाती हैं। और आज व्हील के अलग एप्लीकेशन भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और भी कई जगह पर। स्पिनिंग व्हील एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर व्हील का यूज़ किया जाता था। स्पिनिंग व्हील को इंडिया में लगभग 2500 साल पहले बनाया गया था। इसको नेचुरल फाइबर में से थ्रेड यानी कि धागे बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके बाद स्पिनिंग व्हील को स्पिनिंग जेनी से रिप्लेस कर दिया गया। और आज हर एक फील्ड में जगह जगह पर आपको व्हील का यूज़ दिखेगा, एक सबसे बेसिक इन्वेंशन जिसका यूज़ हर जगह पर है। तो यह थी एक ब्रीफ हिस्ट्री व्हील्स के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।